हाय गाइस, दिस इज रेकी एंड वेलकम बैक टू रेकी भारद्वाज व्लॉग्स अगेन। सुबह के बज रहे हैं 7-7 के आसपास और भाई जितनी गंदी आज की रात गई है ना, आई डोंट थिंक सो कि कोई रात जा सकती है। भाई साहब करीब 11:30 बजे लेट गया था मैं सोने के लिए एंड उसके अलावा भाई मेरे को नींद आई 1:30 से 2 बजे के आसपास। और भाई ये रही पब्बी को भी देख लो, भाई साहब नींद ही नहीं आई, ओवर थिंकिंग इतनी हो रही थी ना नेक्स्ट लेवल, पता नहीं क्या क्या ही आ रहा है दिमाग में, बहुत बहुत बकवास आ रही थी। हाँ उसके अलावा भाई आँख खुल गई 5:30-5 के आसपास, तो भाई जब से उठाई हुआ हूँ बहुत देर का उठा हुआ हूँ एंड भाई नींद तो आई नहीं, तब से कोशिश इतनी करी है ना सोने की आँख ही नहीं लगी, और भाई फिर थोड़ी सी आँख लगी तो लाइट चली गई। तो भाई ले भाई इतना गालियाँ निकल रही थी ना मुँह से, मैं तो उठ के आ गया छोड़ यार जिम ही चलते हैं। तो अब जा रहा हूँ जिम में, एक बारी घर पे पब्बी को छोड़ाऊँ फिर जाता हूँ जिम में और मिलता हूँ वहीं पे सीधा। सो भाई फाइनली जिम के बाहर आ चुके हैं और वर्कआउट हो चुका है पूरा। भाई आ जाएगा दूसरे तीसरे फ्लोर पे गंगा जल का छिट्टा छिड़काव होएगा, गंगा जल का तो आज सफाई चल रही है घर पे, जैसा कि देख सकते हो झाड़ू हो रही थी। और मैं आपको फ्लोर दिखा देता हूँ ऊपर के, क्या काम चल रहा है ऊपर के फ्लोर्स पे, क्योंकि ऊपर के फ्लोर्स पे आज मशीन्स आएंगी। देखो भाई काफ़ी हद तक तो सफाई हो चुकी है और दिखा देता हूँ ये जाल भी लग गए हैं। भाई मैं तो भाई इतने दिन बाद आया हूँ ना, काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ये देख लो यहाँ पोचा भी लग चुका है वैसे तो, और ऊपर चल के दिखाता हूँ क्या चल रहा है। ऊपर चल रहा है ये, यहाँ पे भी लग गया भाई पत्थर। दीवारें भी पेंट कर दिए, यहाँ तो पत्थर लगेगा भाई, नहीं कर देंगे ऐसा, कोई हार्ड थोड़ी होता टेस्ट। 22 तारीख का मेरा ड्राइविंग टेस्ट, तेरा बन रहा भाई लाइसेंस। कितने का तू, कितने साल का? 17 साल का। और तू प्रिंस, तेरा बन गया? कहाँ से बनवाया तूने? खरखुद्दा से ज्यादा सान पड़ता है क्या? फिर तेरा एड्रेस हरियाणा का लगा इसलिए खरखुद्दा का बनाया क्या? अच्छा। सो भाई दोपहर के बज रहे 2:30 और सो के जस्ट अभी उठाऊँ, और भाई आज तो नींद नेक्स्ट लेवल आ रखी थी, जैसे कि मैंने सुबह आप सबको बताया कि भाई नींद पूरी नहीं हो पाई थी, तो भाई एक बार उस सबकी कॉल आ रही है, एक बार उससे बात कर लूँ। बिल्कुल तेरे जैसा हुए जैसा, तेरे को पता है वो आ गया मनीष हरिद्वार से, 3 बजे गया लक्की मनीष और 4 बजे आ भी गया है? हाँ हरिद्वार रात के 3 बजे आप 4 बजे हाँ। और 1 घंटे में अप डाउन मारेगा क्या? भाई क्या पता पहुंच जाए, कैसी बात कर रहा तू, चंडीगढ़ से यहाँ पे आता है 1 घंटे में तो मुंबई पहुंच जाते हैं गांजा। अरे भाई दुबई दुबई सुन, दुबई की बता देता हूँ भाई, दुबई की पता है। आज एक दोस्त आया था ऋतिक, तो उसने बताई थी दुबई 4 घंटे में, यहाँ से दुबई 4 घंटे में। अपना मुंह चुप कर ले भाई, मेरे ख्याल में ना हो जाएगा 1/2 घंटे में हरिद्वार, एयरप्लेन से कुछ नहीं पता, इतनी से स्पीड होती है तगड़ी। तुम दोनों भाई करिए बहुत चुप हो। चुप भाई यार, 500 की स्पीड में तो चलेगा यार, एक बात बता, एक बार चल सुन तुम गूगल पे सर्च कर लो ना कि एरोप्लेन, नॉर्मल एरोप्लेन की क्या स्पीड रहती है, व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन। भाई एक ही डायरेक्शन में जाता है
आदमी है या टू 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 है, हाँ आदमी है, पजामा है। भाई तू चुप होते हैं, ये ऐसे एप्पल चलाने आते हैं, इनको पता नहीं किसने किसने दिला दिए। देख मैं बताता हूँ, चल गूगल साथ ना धोखाधड़ी करते हैं। हे सीरी, देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। अरे हो जा, ये कह रही है किसी और के साथ मेरे को कंफ्यूज कर रहा तू। चलो, व्हाट इज एन एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन? अराउंड 460 माइल पर आवर है भाई, ये कम से कम बिना तेरी 600 किलोमीटर की स्पीड से जाते हैं, आराम से पहुंच जाएंगे भाई आधे घंटे में, आराम से। भाई हाँ ये भी बात है, नहीं गंगा नदी में उतारेंगे सीधा, श्यू लैंड है वहीं पे, नहीं हर की पौड़ी पे लैंड है, हर की पौड़ी, किसकी पौड़ी पे। चलो भाई ठीक है, अब जाते हैं, उत्सव आ रहा है वैसे अभी तो उत्सव के आने के बाद एक बार जाते हैं नरेला। ये आपने कुछ देख लिया हमारी बकवास, तो दिखाते हैं आगे का सीन। सो भाई अभी आए घूमते घामते उत्सव के साथ, इन तीनों ही स्कूटियों में पेट्रोल भरवाना है और फिर चलते हैं कुछ खाने। पुष्कर तो यहीं कहीं चला जाएगा, कहाँ जाएगा, घर जाएगा ना भाई सीधा। तो चलो भाई चलते हैं। भाई अब हम दोनों आए हैं रोहन के ढाबे पर, और यहाँ से एक बारी कुछ काम है, मनीष पास भी आए थे, कुछ काम था मनीष पास भी, तो मनीष वाला काम हो चुका है और अब जा रहे हैं घर पर। देखो भाई दोनों बिल्कुल काले हो गए हैं, इतना धूप में काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल ही जेड ब्लैक हो गया है, रोहन तो बिल्कुल ही जेड हो रखा है। तो भाई अब घर जाके दिखाता हूँ सीन। सो भाई फाइनली पब्बी का खाना बना दिया है, पब्बी यार अपना खाना नहीं खा रही आजकल, तो इसे दूध और ब्रेड खिलाने पड़ते हैं और ये यही खाती है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं खाती, रोटी सब्जी कुछ भी। चल खा ले, ईट सिट ईट, कमांड्स तो सारी मानती है भाई, अच्छी समझदार है। पब्बी खाना खा लिया, कहाँ घूमना अब, कहाँ घूमेगी, चलेगी। तो भाई आज खाने में दिखा देता हूँ खाने में क्या क्या है, शाही पनीर और रोटी, ए पब्बी। सो भाई फाइनली निकल रहे हैं दुकान के लिए, भाई लाइट तो बड़ी तगड़ी मारती है ये, आग से तो अंधा कर देती है एक टाइम पे। सो भाई जाते हैं दुकान पर, और भाई आज जाते ही सोएंगे, एक बार दुकान पे जाते ही मिलता हूँ आपसे। तो भाई दुकान पे थोड़ी देर में जाऊँगा, तो इस वीडियो को करता हूँ यहीं एंड, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। सो भाई जय हिंद।